मैं सुनील इंगले, आज आपका नया प्रोजेक्ट है क्लैप सर्किट स्विच। क्लैप सर्किट स्विच कैसे काम करता है मैं आपको आज बताता हूँ। देखो मैंने पहले से ही इसमें क्या कर रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखे है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या क्या लगा रखा है मैंने। देखो ये जो आपका क्या है MIC, ये माइक है आपका, तो माइक में हमेशा ये ध्यान रखना है कि देखो इस तरफ जो है ना ये निगेटिव होता है, और इस तरफ जिस तरफ डिजाइन नहीं होती है, तीन लाइन लगी, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये देखो निगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये निगेटिव कनेक्ट कर दिया, और यही कैपेसिटर के यहाँ पे इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो कैपेसिटर से मैंने जो ये कनेक्शन किया हुआ है आप ये देख रहे हो, तो मैं इसके बाद एक और चीज बता देता हूँ आपको कि ये कैपेसिटर से कनेक्ट किया और ये यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया इसका, कैपेसिटर हो गया इसका और ये यहाँ से ऐसा। इसके बाद आप आगे देखो तो मैं बताता हूँ आपको इसमें आगे मैंने क्या क्या किया हुआ है। आगे यहाँ देखो 1 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, 100 ओम का, यहाँ पे 100 होने के बाद यहाँ पे 150 का किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा, एक ट्रांजिस्टर लगा BC547, देखो इसमें लगा, ये हो गया आपका कलेक्टर इमीटर, क्योंकि उल्टा लगा हुआ है तो आप देखोगे तो इधर आपका इसका क्या है कलेक्टर बेस और इमीटर। कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस जा रहा 2.2 के का, यही इसी पे से कैपेसिटर गया है, और ये कैपेसिटर देखो पॉजिटिव पे गया 10 किलो ओम का, ये 2.2 के का ऊपर गया। यहाँ से अब एक सप्लाई जाएगी जो पिन नंबर 3 पे जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या कर रखा है, इसमें जो पहले से जो कनेक्शन थे वो मैंने कर रखे। देखो एक कैपेसिटर पिन नंबर 5 से लगा हुआ है, इसे ग्राउंड कर देंगे। पिन नंबर देखो पिन नंबर 6 और 7 से, तो ये शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से ग्राउंड दे देंगे, और यहाँ से पिन नंबर 7 से एक रेजिस्टेंस लगा दिया 150 किलो ओम का। इसके आगे मैंने क्या किया, पिन नंबर 3 से 1K का एक रेजिस्टेंस लिया, एक LED लगाई, फिर BC547 एक रेजिस्टेंस लगाया, और ये रेजिस्टेंस LED काट ले लगा, ये रेजिस्टेंस आपका पावर सप्लाई दिखाएगा। तो पावर सप्लाई कैसे दिखाएगा, जैसे ही ऑन होगा ये आपका पावर सप्लाई ऑन हो गया, ठीक है। मैं अब इसको बंद कर देता हूँ पावर सप्लाई को। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन आपका हो चुका है ना, तो ये वाला भी कनेक्शन आपका हो गया, यहाँ से ये भी शॉर्ट हो गया, ट्रांजिस्टर के इसमें नहीं आया, तो ये यहाँ जैसे शॉर्ट हुआ ये वाला, इसको मैं ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्शन कर दिया। बेस में कनेक्शन करने के बाद इसका ये इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया। सिंपल एक एक लाइन करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपका सभी चीज कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस लगा 2.2K का, यहाँ एक कैपेसिटर लगा, फिर इस कैपेसिटर से एक रेजिस्टेंस लगा 10K का, और ये कैपेसिटर के बीच से एक सप्लाई जम्पर वायर लगाएंगे, वो कहाँ जाएगी, पिन नंबर दो पे आ गया कनेक्शन। अब देखो यहाँ पे पिन नंबर 1 दे रहा है, तो जैसा जैसा दे रहा है सिंपल वैसा वैसा पिन नंबर 1 पे क्या किया मैंने, ग्राउंड कर दूंगा पिन नंबर 1 से, इसको ग्राउंड कर दिया पिन नंबर 1 से मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, ये देखो ग्राउंड कर दिया। अब पिन नंबर 5 देखो, पिन नंबर 5 इसकी ये है, और पिन नंबर 5 से एक कैपेसिटर जा रहा है 1 माइक्रोफेराड का, ये है 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, यहाँ से लगा दिया। अब देखो यहाँ पे पिन नंबर छह से कैपेसिटर है, ये पिन नंबर 6 से लगा एक कैपेसिटर, और मैंने इसको क्या किया ग्राउंड कर दिया। अब ये पिन नंबर 7 से ये वाला आपका एक रेजिस्टेंस आया 220 किलो ओम का, अब इन दोनों के बीच में शॉर्ट करने का बोल रहा है, तो मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ पे लिया और इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ से अब 8 नंबर पिन से पॉजिटिव से कनेक्ट करने का बोल रहा है, तो मैंने पिन नंबर 8 से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब पिन नंबर 4 इधर देखो, पिन नंबर 4 बचा हुआ है, देखो ये पिन नंबर 4 बचा हुआ है ये वाला, तो इसको मैंने क्या किया पिन नंबर 4 को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब पिन नंबर 3 बच रहा है, देखो ये वाला पिन नंबर 14 पे जाएगा, पिन नंबर 3 को कनेक्शन किया मैंने, और ये 14 नंबर की पिन है, तो ये 8 और ये 16 15 ये 14 पिन नंबर 14 पिन नंबर 15 और 4 मैंने शॉर्ट कर दिया, 4 से 15 शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट हो गया, ठीक। इसके बाद ये हो गया 13 और 8, 13 नंबर को मैंने फिर ग्राउंड किया यहाँ से, 13 नंबर को ग्राउंड करने के बाद, सॉरी 8 नंबर ग्राउंड किया, इसके बाद 13 नंबर को ग्राउंड कर दिया मैंने, ये 13 नंबर को ग्राउंड कर दिया 8 और 13। अब देखो पिन नंबर 16 बच रहा है, पिन नंबर 16 को मैंने ग्राउंड कर दिया यहाँ से, पिन नंबर 16 को यहाँ से मैंने ग्राउंड कर दिया। आप देख रहे होंगे पिन नंबर 16 ग्राउंड कर दिया, तो पिन नंबर 3 बच रहा है,
नमस्कार, मैं सुनील इंगले बोल रहा हूँ। आज आप देखोगे कि तीन रिले क्लैप स्विच से कैसे काम करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ कनेक्शन मैंने जो पहले कर रखे थे, इन्हीं में से कनेक्शन थोड़ा सा करेक्शन होगा। जैसे पिन नंबर 10 से 4 15 कनेक्शन होगा। पहले मैंने क्या किया, 4 और 10 को शॉर्ट किया था, तो अब ये चेंज हो जाएगा कि 10 से 4 हो जाएगा। ये देखो, तो ये 8 9 10 8 9 और ये 10 हो गया, ये 10 का कनेक्शन हो गया। इसके बाद देखो बाकी सेम कनेक्शन रहेगा। अब रिले का जो आउटपुट आएगा पिन नंबर 2 से आएगा, पिन नंबर 3 की जगह। ठीक, नेक्स्ट आपका एक और क्या 4 नंबर की पिन से आउटपुट आएगा, तो ये पिन नंबर 4। तो पिन नंबर 4 आपका ये रहा। पिन नंबर 4 का कनेक्शन आपका ये रहा। और इसको एलईडी को आपने इसको यहां से इसको ग्राउंड पे ये कनेक्शन कर दिया, ये एलईडी का। ठीक, अब एक और बच रहा है पिन नंबर 7 से। पिन नंबर 7 मतलब ये 7 नंबर की पिन है आपकी। आप कनेक्शन केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि कनेक्शन आप जो मैं बोल रहा हूँ कनेक्शन मैंने पहले से कर रखे, आप भी पहले से करके रखना और ध्यान से करना, तो आपका ये भी प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप पिन इसको ग्राउंड कनेक्शन कर देंगे तो ये ऐसा कनेक्शन हो जाएगा। सेम कनेक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम मैंने वही किया। और लेकिन ये तीन रिले ना लगाते हुए मैंने क्या किया, तीन एलईडी, तीन रिले। इसको मैं आगे आपको बताता हूँ कि तीन रिले लगा के कैसे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले एलईडी लगा दी यहाँ पे, ग्राउंड कर दिया, तो आप इसको यहाँ रिले, इसको सेम आप रिले वाला भी कनेक्शन कर सकते हो। देखो देखो, एलईडी 1 2 3, देखो तीसरी एलईडी क्यों नहीं जल रही है, देखना पड़ेगा। एलईडी तो जलना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 जल रही है, तो 3 भी जलना चाहिए, क्योंकि एलईडी बंद हो गई है। तो फिर मैं एलईडी चेंज करता हूँ, चेंज करके एलईडी देखते हैं। चेंज करके एलईडी देखती है तो देखा तो क्या हुआ, ये देखो। आपको मैं इसमें अगला एक प्रोजेक्ट इसमें ऐड करके बताऊंगा, तो 3 एलईडी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज आपका क्लैप स्विच कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लैप स्विच को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। धन्यवाद।